आइए सुनते हैं गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज महाशिवरात्रि है, यानी कि भगवान शिव आज हम सबका कल्याण करेंगे। बताएं मित्रों, शिव मंदिरों में विद्यमान प्रतीकों से जीवन जीने की कला का शिक्षण मिलता है, और प्रायः शिवालय में विद्यमान नंदी, कूर्म, नाग, शिवलिंग, त्रिशूल, चंद्रमा जैसे रहस्य प्रतीक शिव भक्तों एवं समर्थकों को सूक्ष्म भाव एवं गूढ़ ज्ञान गम्य सांकेतिक सूत्रों के माध्यम से अपने आराध्य के दर्शन की सार्थकता एवं गंभीरता का संदेश देते हैं। और मित्रों, यदि शिवाराधक इन शुभ संकेतों को हृदयंगम करने का पुरुषार्थ कर सकें तो महाशिवरात्रि का यह पर्व आत्म जागरण, साक्षात्कार एवं शिव दर्शन का सुअवसर बन सकता है। मित्रों, प्रायः क्या होता है, प्रत्येक शिवालय में इन प्रतीकों का एक सुनिश्चित सा क्रम रहता है। कभी आपने गौर किया है कि नहीं, मंदिर में आप जब जाएं तो देखें सर्वप्रथम नंदी के दर्शन होते हैं, यही बात है ना। और नंदी महादेव का वाहन है जो सामान्य बैल नहीं है, जैसे कि आप समझते हैं। यह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, और कहूं तो यह पुरुषार्थ का प्रतीक है। शिव का वाहन जैसे नंदी है, वैसे ही हमारी आत्मा का वाहन शरीर है, इस बात का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अतः शिव को आत्मा का एवं नंदी को शरीर का प्रतीक समझा जा सकता है। जैसे नंदी की दृष्टि सदा शिव की ओर ही है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी आत्माभिमुख बने, शरीर का लक्ष्य आत्मा बने, यह संकेत इस प्रतीक में निहित है। मित्रों, शिव का अर्थ है कल्याण, यह भी तो जानना बहुत जरूरी है। अतः शिव रूप बनने के लिए सभी के कल्याण के भाव, सभी के मंगल की कामना को हृदयंगम एवं आत्मसात करना होगा। इस तरह अपनी आत्मा में ऐसे शिवत्व को प्रकट करने की साधना को ही सार्थक शिव पूजा या शिव दर्शन कह सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आत्मा के वाहन और शरीर को उपयुक्त बनाना होगा। शरीर नंदी की तरह आत्माभिमुख बने, इस बात का ध्यान रखें। शिव भाव से ओतप्रोत बने, इसके लिए शिवाराधक तप एवं ब्रह्मचर्य की साधना करें। अपने आत्मोन्मुखी व्रतों पर स्थिर एवं दृढ़ रहें, यही महत्वपूर्ण शिक्षा नंदी के माध्यम से दी गई है। और नंदी के बाद शिव की ओर बढ़ने में कछुआ आता है, आपने तो दर्शन किया होगा। नंदी जहां हमारे स्थूल शरीर के लिए प्रेरक मार्गदर्शक है, वहीं कछुआ सूक्ष्म शरीर एवं मन का मार्गदर्शन करता है। हमारा मन भी कछुए जैसा कवचधारी सुदृढ़ बनना चाहिए, यही इसका लोक शिक्षण है। जैसे कच्छप शिव की ओर गतिशील है, वैसे ही हमारा मन भी शिवमय बने, सबके कल्याण का ही चिंतन करें, यही तो महाशिवरात्रि का गूढ़ दर्शन है। आत्मा के श्रेय हेतु प्रयत्नशील रहें एवं संयमी तथा स्थित प्रज्ञ रहें, अर्थात मन की गति, विचारों का प्रवाह, इंद्रियों के कार्य शिव भाव युक्त आत्मा के लिए ही हुआ करें। यही शिक्षा देने के लिए कच्छप को शिव की ओर सरकता बताया गया है। कच्छप कभी नंदी की ओर नहीं जाता, शिव की ओर ही जाता है। हमारा मन भी देहाभिमुख नहीं, आत्माभिमुख ही बना रहे, भौतिक नहीं आध्यात्मिक ही बना रहे, शिव तत्व का ही चिंतन करता रहे, यही मर्म इस प्रतीक में निहित है। शिवालय के द्वार पर आप देखते होंगे द्वारपाल के रूप में प्रायः गणेश और हनुमान जी की उपस्थिति रहती है। यदि इनकी स्थूल प्रतिमा ना भी हो तो भी शिव पुत्र के रूप में गणेश जी एवं रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी की सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। इनकी विशेषताओं को हृदयंगम करना,
एवं इनकी कसौटियों पर खरा उतरना भी शिव दर्शन एवं आत्म साक्षात्कार की दिशा में अगला सोपान है। मित्रों, नंदी एवं कच्छप दोनों जब शिव की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात शारीरिक कर्म एवं मानसिक चिंतन दोनों जब आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं, तब इन दोनों की शिव रूप आत्मा को पाने की योग्यता है या नहीं, गणेश और हनुमान की उपस्थिति को इस कसौटी के रूप में हृदयंगम किया जा सकता है। जीवन में यदि गणेश एवं हनुमान के दिव्य आदर्श नहीं आ पाए तो फिर शिव के दर्शन या कल्याणमय आत्मा का साक्षात्कार भला कैसे हो सकेगा। अतः गणेश एवं हनुमान के आदर्श की समझ आवश्यक है। इसी को तो आज समझ नहीं पा रही है जनता। गणेश जी बुद्धि विवेक के प्रतीक हैं, बुद्धि एवं समृद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, यही इनका सिद्धांत है। गणेश के साथ जुड़े प्रतीक उनके इसी गुण को व्यक्त करते हैं। अंकुश क्या है? संयम का प्रतीक है, आत्म नियंत्रण का प्रतीक है, लोभ मोह और अहंकार का प्रतीक है। त्रिशूल कमल पवित्रता का प्रतीक है, निर्लेपता का प्रतीक है, और पुस्तक श्रेष्ठ उदार विचारधारा का एवं मोदक मधुर स्वभाव का प्रतीक है। वे मूषक जैसे तुच्छ जीव को भी चाहते व अपनाते हैं, ऐसे गुण रखने से ही आत्मदर्शन शिव दर्शन की पात्रता प्रमाणित होती है। मित्रों आइए सुनते हैं ये प्रज्ञा गीत। तुम भोले भाले शंभो, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी to
बिछड़ों को साथ लेकर शिवालय के मंदिर में जो शिवलिंग है उसे आत्मलिंग ब्रह्मलिंग कहते हैं। मित्रों, गणेश और हनुमान की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद ही साधक को शिवरूप आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। और मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए शिव भक्तों में। और इसी बात को याद दिलाने के लिए मानो शिवालय के मंदिर का प्रवेश द्वार सोपान भूमि से कुछ ऊंचा ही रखा जाता है। और मंदिर द्वार पार करते समय अत्यंत विनम्रता सावधानी बरतनी पड़ती है, सिर भी झुकाना पड़ता है। साधक के अहंकार का तिमिर जब नष्ट हो जाता है तो भीतर बाहर सर्वत्र शिवत्व के दर्शन होने लगते हैं। और मित्रों, त्रिदल विल्व पत्र त्रिनेत्र का प्रतीक है, त्रिपुंड त्रिशूल आदि सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रतीक है। मित्रों, और तृतीय नेत्र जागृत आज्ञा चक्र का प्रतीक प्रतिनिधि है। और मित्रों, शिव के रुद्र तो भीतरी आवेश आवेगी हैं, इनको शम करना यही तो शंकर का काम है। मित्रों, ये सब
शिवालय के महाकाल मंदिर के इन प्रतीक चिन्हों के तत्व रहस्यों का चिंतन मनन एवं ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर ही शिव भक्ति की पूजा आराधना एवं दर्शन की सार्थकता को सिद्ध किया जा सकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।